Hello brilliant students, this time we are doing for class 9th, exercise 13.7, question number 3. इसमें हमारे पास है, the height of a cone is 15 centimeter. कोन की हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर, इफ द वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम अगर आपको 1570 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है तो आपको क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस. बेस की रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है. अगेन द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, एक कोन है उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है. इफ द वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, अगर वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस. बेस की रेडियस फाइंड आउट करनी है और आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, 22/7 नहीं, ये स्पेशली आपको दिया हुआ है. ओके तो चलिए क्वेश्चन करते हैं. स्टूडेंट्स एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें कहीं कोई गलती टंग स्लिप यानी कि कुछ मुँह से बोल दिया जाता है जो कि गलत होता है, तो उसको टाइम की कमी की वजह से मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ बल्कि देख भी नहीं पाता हूँ और सीधे सीधे मैं अपलोड कर देता हूँ. तो उन गलतियों को प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा और वो गलतियाँ आप ना कीजिए. ओके और वो ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगी कि हमने देखा था और वो गलती हुई थी, तो वो गलती आप तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना. तो चलिए करते हैं. सॉल्यूशन है, इन कोन रेडियस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाइट हमें दी गई है वो है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हमारे पास है 1570 सेंटीमीटर क्यूब. ओके अब हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ ये नहीं है. जैसे कि पहले भी हमने इस बारे में बात की थी कि वॉल्यूम के केस में हमें क्या निकालना होता है, चाहिए होता है आर और एच. अगर फार्मूले में तीन चीज़ें हो और कोई दो चीज़ें हमें दी हुई हो तो हम तीसरी चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं. अगर R और H दिए हुए हैं तो वॉल्यूम निकल जाएगा, और अगर वॉल्यूम और H दिया हुआ है तो R निकल जाएगा, और वॉल्यूम और हाइट, वॉल्यूम और रेडियस अगर आपको दे रखे तो आप हाइट आसानी से निकाल सकते हैं. तो ये केस है हमारा दूसरे वाला जिसमें हमें वॉल्यूम और H दी हुई है और हमें अब R निकालनी है, रेडियस. ओके तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच 1570. तो आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, 1570 3 ऊपर मल्टीप्लाई में, पाई नीचे, एच नीचे, 1570 मल्टीप्लाई 3, पाई की वैल्यू 3.14, डेसिमल हटेगा ऊपर 100 चला गया 3.14 का, एच है 15. ओके तो पहले देखिए 157 का मल्टीपल 314 है, 157 टू जार 314 आता है, तो 157 10 जार 1570, 157 टू जार, टू से हम इसको काट देंगे 21 जार 25 जार, 3 से ये काटा 31 जार 35 जार, 5 से ये काटा 5 से ये, तो हमारे पास आया 100 यानी कि 10^2. इस 2 से ये 2 हट गया तो R की वैल्यू क्या आती है, 10 सेंटीमीटर, और हमें यही निकालनी थी, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस. सो रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आंसर. ओके स्टूडेंट्स वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट क्वेश्चन.